लगभग समझिए तो उसी के आसपास गया। ओला में हमने बताया था कि हो सके 110 का भी आपको रास्ता दिखा सकता है, तो 110 क्या 111 के आसपास मान लीजिए मार्केट में वो बैठा हुआ है और काम कर रहा है। तो अभी जो इसका नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है ओला का क्योंकि हम लोगों ने बताया था ओला मोबिलिटी, ओला पे देखिए ओला का जो नेक्स्ट देखिए 110.99, यानी ओला पे जो अब जो है इसका 105 और 190 ये इसका सपोर्ट रहेगा। और अगर आज का टारगेट का बात करें तो 115, 120, 125 इसी के बीच में, 125 तो उतना नहीं जाएगा मगर 115, 120 के आसपास आप इसको रख सकते हैं अप में, और डाउन में 105, 190 ये रख सकते हैं आप। ये हिसाब से ही ओला पे आपको काम करना है क्योंकि लगातार ये डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में कोई ना कोई इस पर पोजिशन बना रहा है, कोई ना कोई कंपनी है जो इसको लगातार मान लीजिए खरीदने की कोशिश कर रही है, तो इस वजह से ये ज़्यादा इसको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी जाएगा मगर टाइम लेगा, जैसे इसमें ब्रोकरेज का रिपोर्ट भी आया था 160, तो हो सके ये 160 जाने में आपको कम से कम 6 महीना 7 महीना का भी जो है आपको टाइम दिखा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो किसी स्टॉक्स पे तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बिजनेस न्यूज़ है जो बात करना थोड़ा ज़रूरी होता है और वो भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले है HDB फाइनेंशियल सर्विस, आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग मान लीजिए नहीं जानते होंगे, नाम नहीं सुने होंगे। तो HDFC जो बैंक है उसका जो जितना भी लोन का काम होता है, चाहे हाउसिंग का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो ये सारा काम ये बैंक ही करती है, ये डिवीज़न ही करता है उन लोगों का। अगर आप HDFC बैंक में कभी नौकरी किए होंगे तो जो फाइनेंशियल वाले में जो काम करते हैं उनको देखिएगा यही आई कार्ड मिलता है, भले ही पेरेंट कंपनी HDFC है मगर कार्ड इसका ही मिलता है क्योंकि हम लोग थे बैंकिंग से जुड़े हुए एक समय में, तो ये चीज़ें जानते हैं। और ये लोग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होम लोन यही लोग देते हैं, भारत में जितने भी बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा लोन जो है ये कंपनी देती है, तो ये उसका एक अच्छा प्रोडक्ट है। और अब ये अपना IPO ला रही है मार्केट में, तो इसके IPO में भी अच्छा खासा धूम बटेगा। आप लोग भी चाहें तो इसका IPO के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है और लगातार अच्छा काम कर रही है, और HDFC इसकी पेरेंट कंपनी है। और HDFC में आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से अभी लगातार जो है बाइंग बना हुआ है, हाई डिलीवरी में उठा हुआ है स्टॉक, बीच में फंसा हुआ था लगभग समझिए तो 3 से 6 महीने के बीच में, ये 1600 और 1650 के बीच में काफ़ी ये मार्केट में अटका हुआ था। अब जाके उसने उस मार्केट को तोड़ा है और उस मार्केट से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आज देखते हैं लगभग तक दिवाली तक इसका टारगेट है कि 1800 तक जा सकता है HDFC। तो अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में, देखिए मैं तो हमेशा यही फेवर करता हूँ कि कोई भी कंपनी में आप लगाइए तो बड़ी कंपनी में पैसा लगाइए, बड़े कंपनी का डाटा खरीदिए, बड़ी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको करना ही है तो HDFC है, ICICI है, कोटक है, रिलायंस है, Nifty 50 में जो भी लिस्टेड है आपके सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में आप कंफर्टेबल हैं उस सेगमेंट में इसमें जाइए, तो आपका पैसा सिक्योर रहता है। रिक्स लेना है थोड़ा सा पैसे लीजिए, अगर मान लीजिए इसमें 10 लाख लगा रहे हैं तो रिक्स वाला जो शेयर है छोटा शेयर उसमें आप मान लीजिए 1 लाख ही लगाइए, क्योंकि सारे पैसे का रिक्स आप नहीं लगा सकते। सारा पैसा का अगर आप रिक्स लगाएंगे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगा, आपका बिजनेस भी डूबेगा, पैसा भी डूबेगा। इसको एज ए बिजनेस की तरह समझिए, बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा, छोटे स्टॉक्स में कम पैसा, तो फिर आपका मैनेज बना रहेगा, कैपिटल आपका सेव रहेगा। क्योंकि देखिए ये सब प्रोसेस है, यही सब बातें सीखने के लिए जब आप जाएंगे तो 1-2 लाख फीस ले लेगा कोई, और फिर आपको ये सारी चीज़ें बताएगा जो हम प्रैक्टिकल आपको मार्केट में बता रहे हैं। ये था आज का ओला और HDB फाइनेंशियल पे